झारखंड में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान में बहुत सारे छोटे छोटे प्लान हैं। क्या है बीजेपी का ये मास्टर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा के चुनाव में कुछ ही माह बचे हैं, तैयारी सभी दल कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने सत्ता को बचाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी के थिंक टैंक ने कई तरह की प्लानिंग की है, इस पर प्रदेश इकाई काम कर रही है। नेताओं की जुबा पर विकास की कहानी ही घूम रही है, नेताओं की जुबा पर विकास की कहानी ही घूम फिर कर आती है। और संताल में मुख्यमंत्री की जोहार जन आशीर्वाद यात्रा में पब्लिक रिस्पॉन्स का हवाला देते हैं। इस प्रकार से जोहार जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने झंडा दिखा करके उस यात्रा का शुभारंभ किया, और वो यात्रा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है संथाल में, वो कुछ कहता है कि रुझान मुख्यमंत्री जी के प्रति, इस यात्रा के प्रति, पार्टी के प्रति है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 65 का आंकड़ा भी हम पार करेंगे और फिर से डबल इंजन की सरकार बन करके बचे हुए विकास कार्य को, अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो मास्टर प्लान तय किया है उसके मुताबिक उन सीटों पर विशेष फोकस करना जहां कभी बीजेपी कभी कमल नहीं खिला सकी है, ऐसी लगभग एक दर्जन से अधिक सीटें हैं। दूसरे दलों के कई विधायकों को पार्टी में शामिल कराना, पार्टी के स्तर से कई विधायकों से संपर्क जारी, नवरात्र के मौके पर भी दूसरे दल के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के आसार, ऐसे लगभग एक दर्जन विधायक बताए जा रहे हैं। उनकी जगह पार्टी दूसरे चेहरे को तवज्जो दे रही है। 29,000 से अधिक बूथ पर कम से कम 25 लोगों की एक कमेटी बनाकर तैयार कर देना है। सहयोगी दल आजसू को उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने को कहा जाएगा जहां उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए हुए तालमेल का स्वरूप बदल सकता है। लोजपा को भी साथ लेकर चलने की सोच है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के काम से जनता काफी खुश है, इसलिए लोकसभा चुनाव की तरह झारखंड में भी विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद पूरा पूरा मिलेगा। 65 पार तो है ही, हम हो सकता है कि 75 सीट जीते, 71 सीट जीते, इसलिए सभी विधानसभा के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीवंत और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और लक्ष्य एक ही है कि इस राज्य के को एक विकास की दिशा और हम तेजी से कैसे ले जाएं। कोलार में भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले बार चुनाव हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वहां की जनता के सहयोग से वहां पर हम चुनाव जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे। और मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि इस बार हेमंत सोरेन जहां से विधायक बने हैं वहां पर चुनाव बुरी तरह हारे। बीजेपी ने अभी हाल में सदस्यता अभियान चलाकर काफी संख्या में नए सदस्य बनाए हैं। पार्टी को भी उम्मीद है कि नए सदस्य कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में परिणाम दे सकती हैं। इन्हीं कुछ उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी घर घर रघुवर के नारों के साथ 65 से अधिक सीटें जीतने का सपना संजोए हुए है, यानी कुल सीट में से 80% से अधिक सीटों पर कब्जा जमाने का इरादा है। इसके लिए सरकार और संगठन के स्तर से नेता और मुखिया काफी काम कर रहे हैं। अब जनता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से रघुवर सरकार को आशीर्वाद देती है। राजेश कुमार, न्यूज़ 11, रांची।